फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में शायद ये पहली मूवी स्क्रीनिंग हो रही है चिरधारण। उसके डायरेक्टर हैं हमारे साथ कुलदीप रोहिल, हु हैज कम इन फ्रॉम बॉम्बे ऑल द वे। सो कुलदीप, टेल अस अबाउट दिस मूवी चिरधारण, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सर, दिस इज अ फिल्म, दिस चिरधारण बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द 2016 हरियाणा चार्ट रिजर्वेशन एजुकेशन व्हिच टर्न इनटू राइट्स। तो उसके बारे में बहुत उस टाइम पे बहुत खबरें आई थी और दुनिया भर में लोगों ने कहा था ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जाटों ने ऐसा कुछ किया है, या ये पूरा आंदोलन जो है वो क्यों किया है इन लोगों ने, इनको रिजर्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए। और मुरथल रेप केस की खबरें आई थी। जब मैं था बॉम्बे में तो मैं भी देख रहा था इसमें, एंड आई रियलाइज दैट ये जो जितनी चीज़ें हरियाणा के बारे में बता रहे हैं उनसे मैं एक तरह से सहमत नहीं हूँ। रीजन बींग आई ऑल्सो बॉर्न इन द सेम एरिया हरियाणा में, वही एक गाँव में पला बड़ा हुआ सर, तो मैंने देखा है। तो सोसाइटी नॉर्मली इस तरह से बिहेव नहीं करती हरियाणा की, जो मैंने देखी। सो आई वॉज रियली वरिड कि हुआ क्या है। जब भी आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको दिखता है कि वहाँ पे खून खराबा हो रहा है, आग जमी हो रही है, और सडनली एक जो पीसफुल एजुकेशन है वो राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप जानना चाहते हो। तो मैं हरियाणा बेसिकली चला गया था जानने के लिए। जब मैं गया था देखने के लिए, आई वेंट टू मूथल, आई वेंट टू रोहतक, चंडीगढ़, भिवानी, हिसार, हांसी, जींद, बहादुरगढ़, झज्जर, या मैंने रिसर्च किया 45। उसके बाद हमने 37 डेज शूट किया विद अ क्रू ऑफ 17 पीपल जो हमारे बॉम्बे से आए थे सारे के सारे, और फिर उसको एडिट करने में हमारे को लग गए 1 साल 2 महीने, ऑलमोस्ट 14 महीने, बिकॉज हमारे पास 60 घंटे की फुटेज थी और 4 से 5 घंटे की फुटेज थी जो कैमरा से शूट की हुई। उससे फिर ये 90 मिनट की फिल्म आई है, और जब वो बन गई थी तो सेंसर ने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। नॉर्मली जैसा कई बार हमारे यहाँ हो जाता है, तो हम फिर 2 साल हाईकोर्ट में लड़ रहे थे, और हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन लिया, और जो एक जज थे वहाँ पे उन्होंने कहा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनबायस्ड फिल्म दे हैव सीन, एंड इट्स नॉट इवन अ पॉलिटिकल फिल्म, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, एंड पीपल शुड वॉच इट। सो नाउ अभी जो इसका व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, यू नो, उसका क्या निष्कर्ष निकला जो हो रहा था, वाज इट समबडी, किसकी कठपुतली, तो क्या था उसका निष्कर्ष? एज यू नो, डॉक्यूमेंट्रीज आर बेसिकली presenting the facts. It's more like collaborating everything and leaving it to your audience, let them decide. But लेकिन उनको पूरा का पूरा सिस्टम दिखा दो एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों हुआ और उसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं। सो एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया कि क्यों हुआ क्या हुआ, मैंने दिखाया उनको ये कैसे हुआ था, उन्होंने वो देखा, और ऑडियंस का जो रिएक्शन है, इसकी स्क्रीनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हो चुकी है, UK, US, Canada, Australia में 17 स्क्रीनिंग हुई। प्लेटफॉर्म? Cinema hall, and all houseful, and the audience loved it. They started promoting it on their own. Okay. अभी भी ऐसा ही हो रहा है. Sharing the word. Yeah, that's why. That's what is happening. Right. And who's your main team? Where you would like to tell? So, as you know, in documentary, filmmaker होता है, खुद कोई narrator होता है, और हमारी जो team है, उसमें मेरे editor हैं जो बहुत important हैं, प्रवीण आंगरे, उनको national award मिला हुआ है, और वो इसके अलावा 27 फिल्में कर चुके हैं, इज अ बिग एडिटर इन मुंबई। इसके अलावा हमारे कैमरामैन है मोहित करके, मोहित काकुड़कर, और हमारी जो म्यूजिक इस फिल्म में जो गाने हैं वो किए हैं साधु तिवारी ने और लिखे हैं रोहित शर्मा ने। सो दिस इज द टीम आई हैव बेसिकली, दिस स्मॉल टीम, एंड द प्रोड्यूसर इज मी मायसेल्फ, एंड देयर इज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अमित राय हु हैंडल्ड सेक्रेट गेम्स एज अ लाइन प्रोड्यूसर, एंड हु हैंडल्ड नोलन्स फिल्म जो भी आई है। दिस इज बीइंग शॉट इन हरियाणा, इसकी शूटिंग मेनली यू डन इन हरियाणा, चंडीगढ़, ऑल प्लेसेस, या ऑल इंडिया एंड एवरीथिंग, वेरी गुड। एंड लाइक यू सेड, इसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, and recently we had the international film festival just concluded. Yeah. So did you also send your entry? So main miss kar gaya wahan pe, hamara jo verdict aaya uske baad se hum phase hue the ki hum OTT ke paas jayenge kisi mall pe next year, definitely. Okay. So all the best, thank you friends, keep watching, thanks, thank you sir, ek sath aa raha hai na sir, ke sath aa raha hai.